दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ म्यूचुअल फंड। लास्ट में करवाने की वजह एक तो ये समझ लो कि म्यूचुअल फंड का सबसे मुश्किल क्वेश्चन है। आप अभी कितना भी बना लो के लास्ट में आपको एक बार रिवीजन करना ही पड़ेगा। ठीक, कुछ स्पेशल बातें लिखी हुई है इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन पे मैं बहुत सारी बातें ना करके सीधा क्वेश्चन उठा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3030 पेज नंबर 47। क्वेश्चन नंबर कौन सा यार, 30 पेज नंबर 47। पढ़े लिखा हुआ है, ऑन 1 अप्रैल एन ओपन एंडेड स्कीम ऑफ अ म्यूचुअल फंड had 3 lakh units outstanding with NAV of ₹18.75। सर ये भी डायग्राम बनाते हुए चले क्या, ज्यादा अच्छा टाइम लगेगा बेटे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आराम से करना मेरे साथ। तो पहली डेट दिया है 1 अप्रैल, ईयर वियर नहीं दिखा, ठीक है 1 अप्रैल। ओपन एंडेड स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड दे रखा है, यूनिट्स कितना है, बोले यहां यूनिट्स है 3 लाख यूनिट्स, और यहां एनएवी कितना था, यहां था एनएवी 18.75। ठीक, आगे क्या लिखा हुआ, आगे लिखा एट द एंड ऑफ अप्रैल इट इश्यूड 6 लाख यूनिट्स। ये लो भाई, बोले अप्रैल एंड में, अप्रैल का ये हो गया एंड, न्यू यूनिट्स इश्यू कर रहे हो कितना, 6 लाख यूनिट्स। ठीक है, एट ओपनिंग एनएवी, अच्छा और किस पर, एट ओपनिंग एनएवी मतलब इस पर, बिल्कुल पूरी तरह से गलत कॉन्सेप्ट भाई। जब आप यहां यूनिट्स इश्यू कर रहे हो तो आप इस पर कैसे इश्यू कर सकते हो, आपको तो यहां का ओपन एंडेड है, हम तो जानते हैं ओपन एंडेड में जिस दिन आप यूनिट खरीदोगे उस दिन के एनएवी पे खरीदोगे ना। पर इसमें लिखा है, अच्छे से पढ़ो अंडरलाइन करना, इट इश्यूड 6 लाख यूनिट्स एट ओपनिंग एनएवी प्लस 2% लोड। ठीक है, लोड का तो समझ में आता, वो तो एक्सपेंसिस के लिए है, पर आप ओपनिंग एनएवी पे कैसे इश्यू कर सकते हो। पर एक लाइन लिखा हुआ है, पढ़ना अच्छे से, एडजस्टेड फॉर द डिविडेंड इक्वलाइजेशन। सर ये क्या चक्कर, पता नहीं, आगे पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगी, अंडरलाइन कर लीजिए, एडजस्टेड फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन, ये चीज मुझे आपको समझानी है। आगे पढ़ते फिर सोचते क्या करना, एट द एंड ऑफ मे, ये लो भाई ये हो गया मे एंड, 3 लाख यूनिट्स वर रीपर्चेस, यूनिट होल्डर है मैं म्यूचुअल फंड, या तो मैं इश्यू करूंगा या तो मैं वापस आपसे खरीद लूंगा, तो मैंने क्या किया, न्यू बायबैक कर लिया, रीपर्चेस कर लिया म्यूचुअल फंड, रीपर्चेस्ड कितना यूनिट्स रीपर्चेस कर लिया, 3 लाख यूनिट्स। सर यहां के एनएवी पे देखते क्या बोल रहा, एट ओपनिंग एनएवी, हद हो गई, ओपनिंग एनएवी पे ही बोल रहा है, बिल्कुल गलत। सर यहाँ के एनएवी पे आप खरीदिए ना, हाँ पर पता नहीं ओपनिंग एनएवी और लोड बोला, तो लोड को एक साइड जाने, तो लोड का तो बाद में, लोड तो जनरली एक्सपेंसेस के लिए चार्ज किया जाता है। फिर इसमें भी वही शब्द लिखा है, एडजस्टेड फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन। ठीक, एट द एंड ऑफ जून, ये है हमारा
जून एंड, और आगे ले जाता हूं इसको अच्छे से। ये लो भाई, ये हो गया हमारा जून एंड। जून एंड को क्या हुआ, जून एंड को एट द एंड ऑफ 70% ऑफ इट्स इनकम अवेलेबल वाज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसमें से इनकम जितनी भी थी, इनकम जो थी, इनकम उसका 70% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ अप्रैल टू जून क्वार्टर्स द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल। अप्रैल टू जून ये क्वार्टर हुआ, एक दो तीन महीने क्वार्टर्स। बोले क्या क्या हुआ है, कुछ नहीं, पोर्टफोलियो वैल्यू एप्रिसिएशन। बोले पोर्टफोलियो जो वैल्यू है, पोर्टफोलियो वैल्यू वो एप्रिशिएट हो गई। कितने से, बोले इस पीरियड में एप्रिशिएट हो गई, मतलब प्लस हो गया 425.47। ठीक है भाई, समझ में आती है। आगे क्या लिखा, इनकम फॉर अप्रैल। आप एक बार बताओ, म्यूचुअल फंड ने कहीं ना कहीं तो पैसा लगाया होगा, बॉन्ड्स इक्विटी वगैरह में, तो हर महीने कुछ ना कुछ तो इनकम होती होगी। तो बोले हाँ, यहां इनकम हुई। कितने की इनकम हुई, तो वो दे रखा है, यहां इनकम हुई 22.95 लैक्स में है। ठीक है, और बोले यहां भी इनकम हुई, अप्रैल में कितने की इनकम हुई, 34.425 लैक्स, लैक्स है ना। और बोले यहां भी इनकम हुई, यहां कितने की हुई, 45.450, ये इनकम है। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। सुनते जाना आप बात को, अच्छा क्वेश्चन है। सर, म्यूचुअल फंड में हमने पैसा लगाया है, जिन्होंने 300 यूनिट्स खरीदा, 300 लाख होना चाहिए, 300 लैक्स कर लेता हूँ। जिन्होंने 300 लाख यूनिट्स खरीदा, उन्होंने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया। एनएवी कितनी थी, 18.75। तो सर ये जो कमाई हो रही है, ये यूनिट होल्डर को बट रहा है कि नहीं बट रहा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा। बोले नहीं, बोले जितनी भी कमाई होती है, जितनी भी, उसको क्वार्टर एंड में बांटा जाता, ऐसा मेरा यहाँ क्वेश्चन देख के सोचना है कि यहाँ जितनी भी कमाई हो रही है और जो भी कमाई हो रही है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जून एंड में, एक क्वार्टर के एंड में। ठीक है, अगर मैं यूनिट होल्डर हूं, मेरे पास 300 लाख यूनिट्स है हमारे पास, तो हमको यहां डिविडेंड बांट दे, यहां इनकम बांटे, या यहां इनकम बांटे, या यहां सब जोड़ के इनकम बांटे, हमको उतना फर्क नहीं पड़ता। मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर रहा हूं कि मिल जाएगा। ये 22.95 जो लैक्स जो म्यूचुअल फंड ने कमाया है, वो यहां नहीं दिया, वो यहां भी देगा तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी। हमें किस बात की दिक्कत, हम खुश थे कि चलो कमाया। अब समझते जाना, हम इंतजार कर रहे हैं, हमने, हमारे पास कितना यूनिट्स है, 300 लाख यूनिट्स, और इंतजार कर रहे हैं। किस बात का इंतजार चल रहा है, हमको कमाई मिलेगी। इंतजार 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 इंतजार, और जैसी अप्रैल एंड हुआ, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं। क्यों खुशी का ठिकाना नहीं, हम खुश थे कि हमने जिस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है उसने इतना कमा लिया। ये 300 लाख यूनिट जिनके पास थी, वो खुश कि भाई अब तो हमको मिलने वाला है, यहां नहीं मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा। पर मिलेगा तो बताओ यार, हमारी, हमारे लिए कमाई है, ये कितने की कमाई हो गई है, 22.950 डिवाइडेड बाय 300 लाख यूनिट्स। चेक करो कितने की कमाई, एक एक यूनिट पे कितना कितना कमाया, 22.950 डिवाइडेड बाय 300, तो एक एक यूनिट पर 0.0765, इतना तो हमने कमा लिया। ये बहुत खुश है, क्यों खुश है समझने की कोशिश करना।
जब पैसा लगाया था 18 रुपया 75 पैसा था एनएवी, म्यूचुअल फंड ने कमाई किया तो कमाई किया, तो हमको ही मिलना था, हम तो 300 लाख यूनिट्स वाले हैं, और हम खुश थे कि हमारी हमको तो अब इतना मिलेगा भाई इसकी कमाई का, भले ही अभी नहीं मिलेगा फ्यूचर में मिलेगा, पर हम लोगों को तो इतना मिलेगा। और जैसे यहां पहुंचे तो म्यूचुअल फंड, सुनोगे ध्यान से, हम पुराने लोग हैं 300 लाख हमको तो ठीक है, और कुछ लोग आए 6 लाख यूनिट्स, और वो आए म्यूचुअल फंड के पास कि हमको यूनिट्स खरीदना है। म्यूचुअल फंड कहता ठीक है हम बेच देंगे, पुराने वाले रेट पे ही बेच देंगे। उसने 6 लाख यूनिट्स बेच दिया, इश्यू कर दिया। तो अब बेटे ये जो 300 लाख यूनिट्स वाले हैं, जो मैं 300 लाख यूनिट्स वाला हूं, मैं तो परेशान, मैं कहता हूं यार क्या कर रहे हो आप म्यूचुअल फंड यार, ये तो गलत बात है। गलत बात इसलिए है कि मैं ये सोचा था कि ये जो कमाई हो रही है हम 300 लाख में बचेगी, पर तो 6 लाख और आ गया, तो अब तो डिवाइडेड बाय 306 कर दोगे आप इसको। अगर आप फ्यूचर में बांटोगे, फ्यूचर में बांटोगे, एक बात बताओ, इस प्रॉफिट पे सिर्फ और सिर्फ किसका अधिकार है? हमारा। ये जो भाई साहब आए हैं 6 लाख यूनिट्स वाले, इनको थोड़ी मिलना चाहिए कमाई, और फ्यूचर में आप बांटोगे तो इनको भी बांट दोगे, इक्वल करोगे ना आप सबको इक्वल। म्यूचुअल फंड भी बोलता भाई सबको हम फ्यूचर में बांटेंगे तो सबको एक जैसा एनएवी देंगे, एक जैसी इनकम देंगे। ऐसा नहीं है कि 300 लाख वाले को थोड़ा सा ज्यादा देते आप पहले आए थे और 6 लाख वाले को थोड़ा सा कम देते, बोले नहीं ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा ये तो गलत है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो म्यूचुअल फंड बोलता अच्छा बताओ आप बताओ कैसे करना चाहिए था। बोले साहब देखो, जब 6 लाख यूनिट्स आपके पास इन्वेस्टर आया खरीदने के लिए, तो आप इस एनएवी पे क्यों बेच रहे हो? लोट को छोड़ो, आपको तो यहां की एनएवी निकालना चाहिए। हमने कहा वो कैसे निकालेंगे? बोले जितना ये आपकी कमाई हुई, पहले से एनएवी था आपका यस, और ये कमाई हुई आपकी हाँ, तो बोले आपके नेट एसेट निकालिए यहां का, पोर्टफोलियो का वैल्यू भी बढ़ा। मैंने कहा उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, पोर्टफोलियो की वैल्यू को इग्नोर करो, वो तो 3 क्वार्टर का एक साथ हम लास्ट में देखेंगे। हमने कहा चलो पोर्टफोलियो का वैल्यू अप्रिशिएट हुआ उसको छोड़ दो। बोले हम बता रहे कैसे करना था बेटे। अब देखो बेटे, ये 300 लाख वाले ना परेशान है, रो रहा है क्योंकि इनका लॉस होने वाला। ये कह रहे कि साहब देखो आपको निकालना था ऐसे, यहां नेट एसेट कितने की थी, बार हिसाब किताब कर ले, एक यूनिट कितने की 18 रुपए 75 पैसे, और कितना यूनिट्स है 300, तो 300 × 18.75, तो यहां आपके एसेट्स थी 5625 की नेट एसेट्स। हमने कहा हाँ, आपके पास और पैसा आया कितना, 22.950। हमने कहा जी ये भी बात समझ में आती है, तो 5625 प्लस 22.95, तो यहां नेट एसेट कितने की हो गई, 5647.95, मानते हो इस बात को? हम पोर्टफोलियो वैल्यू जो अप्रिशिएट हो रहा है उसको एक मिनट के लिए इग्नोर कर रहा है, हम सिर्फ इस कमाई को यहां जोड़ने की बात कर रहे हैं। बोले ठीक है, और अब डिवाइड कीजिए कितने से, 300 से, ठीक है डिवाइडेड बाय 300। तो बोले आप एक यूनिट आपको बेचना चाहिए था 18.8265, इतने में बेचना चाहिए था, और आप अजीब सा काम कर रहे हो, आप कह रहे हो कि ओपनिंग एनएवी पे बेचोगे, लोड वोट वो बात की बात, उससे हमको मतलब नहीं है, लोड आपको लगाना लगाओ एग्जिट नहीं, पर कम से कम आपको इस एनएवी पे बेचना चाहिए था इन 6 लाख वाले को, और आप इस एनएवी पे बेच रहे हो जो कि गलत है, उसकी वजह से हमारा लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये जो अमाउंट है, जो प्रॉफिट है, वो सिर्फ हमें बटना चाहिए था, और आप ये 6 लाख वाले को भी बांट दोगे। अब म्यूचुअल फंड कहता सुनो 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 सुनो, इसका एक तरीका ये हो सकता, एक बात बताओ कभी पार्टनरशिप किया आप लोगों ने? पार्टनरशिप, नया पार्टनर आता था पार्टनरशिप फर्म में तो क्या गुडविल का पैसा लेकर आता था? हाँ सर हाँ, यस। किसकी मेहनत था? पुराने पार्टनर्स की। किसको मिलना वाला था फ्यूचर में? नए पार्टनर को। तो नए पार्टनर जो कैपिटल लगाता था लगाता था, साथ में क्या गुडविल के लिए भी पैसा लेकर आता था? जी हाँ। तो ऐसे यहां भी कुछ होने वाला, अब वो समझाने की कोशिश कर रहा। बोले ये सब कैलकुलेशन अपनी जगह, बोले म्यूचुअल फंड अब बता रहा, बोले और एक तरीका है। तरीका क्या है सुनना ध्यान से,
तरीका है ये कि यहां कमाई कितने की है, 22.95। ठीक है, आपका ये कहना है आपको 22.95 कितने लोगों में बटना चाहिए, 300 लाख में। तो आपकी कमाई कितने की होना चाहिए इस इनकम से, 0.0765। ठीक है, अब म्यूचुअल फंड क्या बोल रहा है, म्यूचुअल फंड बोल रहा है सुनो साहब, 600 लाख वाले से बोल रहा है, बोले हम जो नए यूनिट होल्डर्स हैं ना उनसे एक काम करते हैं, पुराना लेते हैं 18 रुपये 75 पैसे, कोई दिक्कत नहीं। बोले क्यों दिक्कत नहीं, बोले रुको तो 18 रुपये 75 पैसे ये ले लेते हैं। बोले ठीक, और साथ में उनसे और एक्स्ट्रा पैसे ले लेते हैं, मालूम है कितना, जितनी ये कमाई हो रही है ना वो वाला भी पैसा ले लेते, अभी लेके रख लेते, बाद में यही पैसा उनको बांट देंगे, किसको पता लगेगा। अच्छा ये क्यों किया जा रहा, ताकि फ्यूचर में जब डिविडेंड दूं तो सबको इक्वल दूं। 300 लाख वाले का हक है उनको मिलेगा 0.075, 6 लाख वालों से इतना ही पैसा अभी ले लेते हैं और जब क्वार्टर एंड होगा वापस कर देंगे, क्या फर्क पड़ेगा भाई। इट मींस ये पैसा उन्हीं से लेके उन्हीं को वापस करेंगे, इट मींस कि बात ये हुई कि जो 6 लाख यूनिट्स है उनसे लोड अभी मैं नहीं ले रहा हूं, 18.75 तो लेंगे ही लेंगे, प्लस ये और एक पैसा ले लेते, किस नाम से, डिविडेंड इक्वलाइजेशन के नाम से ले लेते हैं, कितना रुपए, 0.0765। अब बताओ जोड़ के कितना हो रहा, 18 रुपये 75 प्लस से प्लस 0.0765, तो बोलो कितना हो जाएगा, 18.8265। आप यही तो बोल रहे थे यहां भी, हाँ, और हम इस तरीके से ले रहे, क्या फर्क पड़ रहा। बोले हाँ अब थोड़ा ठीक लगा, नहीं तो अभी तक हम ये सोच रहे थे कि हमारा नुकसान, हमारा जो प्रॉफिट है ये लोग ले जाएंगे। साहब आपका प्रॉफिट ये लोग नहीं ले जाएंगे, 6 लाख ही वाले, ये इनसे हम अभी चार्ज कर लेंगे, किस नाम से, डिविडेंड इक्वलाइजेशन के नाम से, तो सब एक जैसे हो जाएंगे, फिर हम यही पैसा उनको बांट देंगे। सेम है जैसे पार्टनरशिप में गुडविल कर रहे थे। अच्छा अब मैं इसको हटा देता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो 6 लाख यूनिट्स है उनसे एनएवी का जो पैसा वो देंगे 18 रुपये 75 पैसे प्लस लोड वगैरह जो भी है वो देंगे, इसके अलावा और एक पैसा लूंगा, किस नाम से, डिविडेंड इक्वलाइजेशन के नाम से, कितना रुपए लूंगा वो मैं यहां लिख देता हूं। किस नाम से लिया जा रहा है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन। कितना रुपए लिया जाएगा, 0.0765 पर यूनिट। ठीक है सर, टोटल में भी लिख ही दो ना, यस, टोटल में कितना पैसा, 6 लाख यूनिट इंटू 0.0765। तो 0.459 लाख मिल जाएगा, अब तो खुश हो। तो इन्होंने कहा हाँ अब हम खुश है, मतलब अब ये तो इनकम थी प्लस इधर से भी हम डिविडेंड इक्वलाइजेशन के नाम से और पैसे ले लेंगे, कितना, 0.459 लाख। तो 22.950 प्लस 0.459, तो टोटल मिलाकर अब हमारे पास हो जाएगा इनकम का 23.409 लाख। खुश। अब अगर इतना पैसा बांट के देखो, 23.409 कितने लोगों में बांटोगे, 306 लाख यूनिट डिवाइडेड बाय 306 करो, तो क्या यही आंसर आएगा, हाँ भाई हाँ। अब थोड़ी ना हमको दिक्कत है, बड़े मुश्किल से बात बनी और ये पैसा लिया गया किसके नाम से, डिविडेंड इक्वलाइजेशन के नाम से, दिस इज अर्निंग, ये प्लस ये। अब चले आगे, अब आगे चले तो ये तो अर्निंग थी, साथ में ये अर्निंग और आ गई, तो अब मेरे पास मे एंड तक कितनी अर्निंग हो गई, 23.409 प्लस 34.425, तो अब यहां अर्निंग हो गई टोटल मिलाकर, ये दोनों प्लस हो जाएगा,
57.834। ठीक है, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए थोड़ा सा स्लो स्लो चलना पड़ेगा। कहाँ आके खड़े हो गए मे एंड में, हमने कहा वाह यार 2 महीने हो चुके, बहुत खुश है हम, और अब तो ये लोग भी खुश हो गए 6 लाख वाले, इनका इस महीने का तो मिलना था ही नहीं, वो बाद में ले गए, तो इन्होंने एडवांस में दे दिया था, वो बाद में मिल जाएगा, और इस महीने की तो इनकी भी कमाई का हक बनता है। ठीक है, अब मे एंड में आए, अब मे एंड में 3 लाख यूनिट्स जिनके पास थी ना, उन्होंने कहा साहब हमको जाना है, हमारा पैसा वापस कर दो, बात खत्म। हमने कहा ठीक है, हम आपकी यूनिट से वापस खरीद लेते हैं, अगर यूनिट से वापस खरीदेंगे तो 300 लाख पहले से था, नया यूनिट इश्यू किया तो कितना यूनिट्स हो गया, 600, 306 लाख। अब कुछ लोग जो 3 लाख यूनिट थे वो बोलते हैं कि ठीक है हमारा यूनिट्स वापस खरीद लीजिए आप, हम वो वापस हमारे पास बेच रहे हैं, तो बाई बैक कर रहे हैं हम यूनिट्स, और यूनिट्स बाई बैक कर रहे तो नंबर ऑफ यूनिट्स म्यूचुअल फंड का कम हो जाएगा, पहले 300 लाख यूनिट्स इश्यू किया था, फिर 6 लाख और इश्यू किया, तो टोटल यूनिट कितना इश्यू हुआ, 306 लाख, उसमें से 3 लाख यूनिट वापस रिपर्चेस कर रहे हैं। ठीक है, तो रिपर्चेस का किस इस पे करना चाहिए, यहां का एनएवी, पर समस्या यही है क्वेश्चन में क्या बोला, ओपनिंग एनएवी। तो हमने 3 लाख यूनिट्स वाले को बुलाया, इधर आओ आपका एनएवी का पैसा ले जाओ, 18.75 रुपए, कुछ लोड वोड काट लेंगे। वो बोल देगा 3 लाख यूनिट वाला कि भैया काट लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर ये तो यहां का प्राइस है, ये जो इनकम हुई है ये भी तो मुझे दीजिए, इस कायदे से ये 2 माह की कमाई भी तो आप दोगे मुझको। हमने कहा हाँ जी वो तो देना ही पड़ेगा, तो वो किस नाम से दोगे, तो वो भी देना पड़ेगा मुझे किस नाम से, डिविडेंड इक्वलाइजेशन के नाम से। कितना यूनिट्स कितना देना पड़ेगा ये तो निकालना पड़ेगा, देख लेते हैं। यहां तक कितनी इनकम थी, 57, देखते 57.834 डिवाइडेड बाय टोटल, यहां तक कितना है इनके जाने से पहले 306 लाख, तो 57.834 डिवाइडेड बाय 306, तो ये आ गया 0.189। ये इतनी कमाई है, ये जो पुराने यूनिट होल्डर है उनको एनएवी का पैसा तो वापस करना ही पड़ेगा, साथ में कमाई भी तो देना पड़ेगा, उन्हीं के पैसों पे तो हमारी कमाई हुई है। सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता तो उसको गुडविल का भी पैसा देना पड़ता, वही बात समझ लीजिए, प्रॉफिट का पैसा देना पड़ता, तो कितना देना पड़ेगा एक यूनिट पे, 0.189 पर यूनिट, टोटल में देख ले तो 0.189 × 3 लाख, तो टोटल आ गया 0.57 लाख देना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा 0.567 लाख, तो भी कितना बचा, तो भी हमारे पास अभी कमाई का बचा है 57.267। ये वापस करना पड़ेगा पैसा, और एनएवी का पैसा तो देना ही है, कोई बात नहीं वो चलेगा। अब ये बची थी मे एंड तक, और ये कमाया और, तो ये प्लस हो जाएगा 57.267 प्लस 45.450, तो बोलो यहां कितना हो गया जून एंड तक, 102, यहां तक इनकम हो गई 102.717, और इसका कितना परसेंट डिविडेंड, 70% × 70%, तो बोलो कितना डिविडेंड दे देंगे, 71.9019। इतना पैसा इनकम इतनी जमा हुई थी उसमें से इतना डिविडेंड दे दिया, तो भी क्या इनकम बची हुई है, इनकम बची हुई है, इनकम माइनस 102.717 और इनकम बची हुई है 30.8151। ठीक, अभी भी इनकम बची हुई है, क्या मांगा है पहले पॉइंट में, इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन,
ये बची हुई है अभी भी अवेलेबल है इतनी इनकम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, 3 एंड 4 में तो कोई बात ही नहीं है, जो प्रॉब्लम है वो है पॉइंट नंबर 1। तो सर पॉइंट नंबर 1 ऐसे तो बना नहीं सकते एग्जाम में, एग्जैक्टली क्या प्रॉपर प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा? हाँ बेटे, बस वही दिक्कत है कि प्रेजेंटेशन कैसे करोगे। तो मेरे पास जितनी जगह है उसमें मैं प्रेजेंटेशन करके बताऊंगा आपको, ठीक है। यहां से थोड़ा सा मैं छोटा छोटा लिखूंगा, आपको समझना पड़ेगा। जगह 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 चाहिए मुझे एक्चुअली, इसको मिटा के यहां लिख देता हूं 0.56, इतनी जगह यूज कर ले तो इसमें आ जाएगा पूरी उम्मीद, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 इनकम अवेलेबल फॉर, हालांकि क्वेश्चन टेक्निकली थोड़ा सा गलत है क्योंकि पोर्टफोलियो एप्रिसिएशन भी तो मिलना चाहिए, यहां पर नहीं दिया कुछ इंफॉर्मेशन इसलिए हमने नहीं लिया है। अच्छा सर कॉलम कैसे बनाएंगे? एक तो ले लेते पर्टिकुलर्स, ठीक है, ठीक है सर। पर्टिकुलर्स के अलावा यहां क्या ले लेते हैं? यूनिट्स, पर्टिकुलर्स में ज्यादा जगह चाहिए एक्चुअली, यूनिट्स और यहां क्या जाएगा? पर यूनिट, और इधर क्या लिख देते हैं? अमाउंट, ठीक है सर। पहले स्टार्ट करते हैं। इनकम फ्रॉम अप्रैल, अप्रैल की इनकम कितनी दिख रही है? 22.950 और यूनिट्स कितना है? 300 लाख। तो इनकम पर यूनिट निकल सकती है कि यस 22.950 डिवाइडेड बाय 300 0.0765, ठीक है जी, ठीक है। इसमें क्या करोगे? प्लस क्या लिया आपने? ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन के नाम से लिया आपने, यस। तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन अमाउंट डिविडेंड इक्वलाइजेशन अमाउंट चार्ज्ड, चार्ज किया आपने न्यू कस्टमर्स से या फिर न्यू यूनिट होल्डर्स से, कितने थे? 6 लाख। कितना चार्ज करोगे? 0.0765 एक एक से, तो टोटल कैलकुलेशन तो कर चुके हैं हम लोग, कितना आ गया? 0.459। तो टोटल कितना हो गया जरा देख लेते हैं, इसको तो टोटल करने की जरूरत ही नहीं है। तो टोटल यूनिट्स कितना हो गया? 306 लाख, ये तो उतना ही रहेगा 0.0765, और ये टोटल अब कितना हो गया हमारा? 23.409, ठीक है। ये टोटल कब कहां का है? ये आ गया अपना अप्रैल एंड का, इसमें प्लस करेंगे इनकम फ्रॉम मई, मई में कितनी इनकम हो रही है? 34.425 यूनिट्स कितना? 306, तो पर यूनिट निकल सकता है कि? यूनिट के सामने मैं नहीं लिख रहा हूँ, पता लगा 306 जोड़ दिया, इसको डेस कर लिया, तो 34.425 डिवाइडेड बाय 306
304.425 / 306, तो ये आ गया 0.1125। अब देखते हैं टोटल कितना आ रहा है, अभी तक यूनिट कितना है, 306 ही है, प्लस 0.0765। तो यहाँ पर यूनिट इनकम अभी तक कितनी होगी, 0.189, और 23.409 प्लस 34.425। तो यहाँ टोटल मिलाकर अभी इनकम कितना अवेलेबल है, 57.834। पर मैं एंड में कोई जा रहा है 3 लाख यूनिट, तो उनको देना तो पड़ेगा। यस, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। भाई इतनी इनकम, इतना पर यूनिट है, तो जो 3 लाख यूनिट जा रहा है उनको इतना तो देना ही पड़ेगा। डिविडेंड इक्विलाइजेशन अमाउंट, पैट, कितने लोग जा रहे हैं भाई, 3 लाख, कितना देना है, 0.189। तो कितना आएगा, 3 × 0.189, तो ये गया 0.567 गया। अब बताओ कि मैं एंड में कितना आपके पास बचा है, कितना यूनिट बचा, 303। ये तो ये लिख देता हूँ 0.189, आपके पास बैलेंस बचा है अभी भी 52.267। ठीक है यहां तक। अब कब की इनकम फ्रॉम जून, वो जोड़ देते हैं, प्लस इनकम फ्रॉम जून, जून में कितने इनकम है, 45.450। पर यूनिट निकाल सकते हो क्या, हाँ सर निकाल लेंगे, 45.450 डिवाइडेड बाय 303.15। तो जून एंड तक कितनी है, 303 ही है, यहाँ 0.339 है, और यहाँ कितना है टोटल मिलाकर, 102.717। ठीक है, ये कहां तक की इनकम हो गई टोटल मिलाकर जून एंड तक। अब इसमें और क्या दिया आपने, डिविडेंड कितना परसेंट, 70% डिविडेंड दे दिया। तो 102.717 इंटू 70% 71, पर यूनिट भी देख लूं क्या, पर यूनिट करना है तो 0.2373। तो बताइए कितना बचा है अभी, 0.1017। ये कितना आ गया यार, 102.717 माइनस 71.9019, तो ये बचा है 30.8151। दिस इज आंसर। टोटल यूनिट्स कितना बचा है, 303 यूनिट्स। तो ये जो आया, ये क्या आया, दिस इज इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम अवेलेबल। तो पॉइंट नंबर वन जो है ना, थोड़ा सा खराब है, पॉइंट नंबर वन में ही दिक्कत है, बाकी तो दिक्कत होगी नहीं। ठीक है सर, पॉइंट नंबर वन तो है। पॉइंट नंबर टू क्या बोल रहा है, इश्यू प्राइस एट द एंड ऑफ अप्रैल, अप्रैल में 6 लाख यूनिट इश्यू किया ना, तो कितने में किया होगा, पॉइंट नंबर टू कर ले। इश्यू प्राइस एट दी
एंड ऑफ अप्रैल तो लिखा हुआ क्वेश्चन में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा हमको। उसने कहा कि अप्रैल में जो नया यूनिट इश्यू करेंगे वो ओपनिंग एनएवी पे, ओपनिंग एनएवी कितना है? 18 रुपए 75 पैसे। अब जब नया यूनिट्स इश्यू करते हैं तो लोट प्लस करते हैं, एंट्री लोट जिसको बोलते हैं। हाँ सर, तो प्लस क्या करोगे? एंट्री लोट कुछ दिया होगा, चेक करो परसेंटेज में। लोड नहीं, लोट, लोट परसेंटेज, परसेंटेज 2%। चलो ऐड कर देते, 18.75 प्लस 2% प्लस 2% नहीं यार, 18.75 इंटू 2% होगा, तो 0.375 प्लस 18.75 तो क्या आ गया, 19.125। ये तो चार्ज होगा एनएवी के नाम से, प्लस हम इनकम भी तो वसूल कर रहे हैं। हाँ तो वो भी तो लोगे। हाँ सर, वो भी तो जोड़ा होना पड़ा, डिविडेंड इक्वलाइजेशन पर यूनिट। कितना लिया भाई डिविडेंड इक्वलाइजेशन के नाम से? ये है 0.0765। तो इतने में इश्यू होगी भाई, आपको एनएवी को तो देना ही पड़ेगा, साथ में यहां की इनकम का भी आपको पैसा देना पड़ेगा 0.0765। तो नया यूनिट इश्यू होगा 19.2015। इसको क्या नाम दे सकते? इसको देते हम इश्यू प्राइस। ठीक है, ठीक है, आगे चलो। पॉइंट नंबर 3 में भी कुछ पूछे, रीपर्चेस प्राइस। एट द एंड ऑफ मे में आप यूनिट होल्डर से यूनिट खरीद रहे हैं तो कितने में खरीदोगे? उसमें भी लिखा ओपनिंग एनएवी। ठीक है जी, तो ओपनिंग एनएवी हमको मालूम है 18.75। माइनस क्या करना पड़ेगा? एग्जिट लोट, कि भाई हम अगर आपसे यूनिट्स खरीदेंगे, म्यूचुअल फंड बोल रहे हम आपसे खरीदेंगे तो भाई और सस्ते में खरीदेंगे, 2% इतनी आएगा 0.0375। तो कितना आ गया? इस बार माइनस होगा 18.75 माइनस 0.0375, तो ये आ गया बेटे 18.7125 प्लस, नहीं प्लस, इतना हम वापस करेंगे प्लस, मुझे 0.189 तो वापस करना ही पड़ेगा। यस, डिविडेंड इक्वलाइजेशन। तो 18.90 कहीं गड़बड़ हुआ, 18.75 कितना परसेंट है? लोट 2% है ना, इंटू 2% 0.375, 0.0375 नहीं 375 माइनस 18.75, 18.375 है यार। तो ये आ गया 18.564। ठीक है, ये कौन सा प्राइस आ गया? रीपर्चेस्ड प्राइस। ठीक
ठीक है, तो क्या क्या हो गया हमारा? एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, और एनएवी एज ऑन 30 जून, यहाँ का एनएवी चाहिए। तो एनएवी में देख लेते हिसाब किताब करके कितना है, इसकी अब जरूरत नहीं, इसको मैं मिटा रहा हूं। बाकी डायग्राम है तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर थ्री, थ्री नहीं फोर, कैलकुलेशन ऑफ एनएवी जून एंड का चाहिए। तो मुझे नेट सेट निकालना पड़ेगा सबसे पहले, नेट एसेट्स ऑन फर्स्ट अप्रैल, यहां नेट एसेट कितना था क्वार्टर में? सर यहां 300 लाख यूनिट था, 18.75 के हिसाब से, तो यहां कितने रुपए का एसेट था मेरे पास? 300 × 18.75, तो सर हमारे पास था ₹5,625। ठीक है, और क्या हुआ सर? इनकम हुई 3 क्वार्टर के मिलाकर, इनकम यहां का कितना इनकम हुआ? सर यहां की इनकम हुई 22.95, ओके, प्लस अप्रैल का कितना? 34.45, ओके, प्लस 45.45, तो कितनी इनकम हुई देख लेते हैं। 22.95 प्लस 34.425 प्लस 45.45, तो ये इनकम हुई टोटल मिलाकर ₹102.825। ये भी ठीक है सर। और कहीं की इनकम हुई कि यस, न्यू यूनिट्स इश्यू, आपने नया यूनिट्स इश्यू किया, हाँ कितना? 6 लाख यूनिट्स इंटू कितने के हिसाब से? इश्यू प्राइस ये देखो, ये दिया हुआ 19.2015, ये भी पैसा आया 19.2015। सर ये भी तो आया ना बेटे, 0.4 बेटे, वो इसी में कवर है, तो हम क्यों बेकार में मेहनत करें? तो 6 × 6 × 19.2015, तो और कितना पैसा आया हमारे पास? 115 लाख.209 लैक्स, 115 पॉइंट। सर रिपर्चेस भी तो किया, हाँ भाई हाँ, रिपर्चेस यूनिट्स तो पैसा गया होगा, हाँ कितना यूनिट्स रिपर्चेस किया? 3। कितना पैसा वापस किया? 18.564। तो पैसा वापस हुआ, ब्रैकेट लगा दूं मैं, हाँ 55.692, ये पैसा वापस हुआ, ये भी हो गया। सर इसके अलावा हमने पोर्टफोलियो एप्रिसिएशन हुआ, वो भी तो लेना पड़ेगा। यस पोर्टफोलियो एप्रिसिएशन कितने का हुआ भाई? पोर्टफोलियो एप्रिसिएशन मतलब 425.47 लैक्स का। ठीक सर, एक और एक्सपेंसेस है, कौन सा? सर हमने इनकम डिस्ट्रीब्यूट भी तो किया है, डिस्ट्रीब्यूट इनकम जून एंड में, चेक करो कहां लिखा है, ये लिखा है 71.9019, बस और तो कुछ है नहीं। देख लेते, 5625 प्लस 102.825 प्लस 115.209, 5625 प्लस 102.825 प्लस 115.209
45.209 माइनस 55.692 प्लस 425.47 माइनस 71.9019। तो यहाँ नेट एसेट आ गए 6140.9101। दिस इज नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, और जून एंड में नंबर ऑफ यूनिट्स कितना था, 303 लाख यूनिट्स। तो एनएवी निकल सकता है क्या? यस, डिवाइडेड बाय 303, तो एनएवी आया 20.267। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डाला था प्रैक्टिस मैनुअल में, लास्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल मजा आ गया। एक बात अच्छे से, कितना भी आपको एक बार में ये क्वेश्चन नहीं होने वाला, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस कैटेगरी का दूसरा क्वेश्चन है नहीं है कहीं भी, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, अच्छा क्वेश्चन। तो हमारा म्यूचुअल फंड खत्म हो गया, रिविजन क्वेश्चन दिया है, रिविजन क्वेश्चन जितने भी है उसको एक बार पक्का देखोगे। ठीक है जी, थैंक यू।